Today, I'm going to talk about research and publication practices where ethical issues are involved, that how we are going to deal with them. First of all, this is very important to seek institutional approval. As a student of psychology, you have been engaged in different small projects or different large-scale research projects. institutions collect. When institutional approval is required. Psychologists provide accurate information about their research proposal and obtain approval prior to the conducting of research. Uh, सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन एयर होता है वो उस इंस्टीट्यूशन के रेलिवेंट इंडिविजुअल से अप्रूव करवाना होता है कि अगर आप हमारे इस क्वेश्चन एयर को अप्रूव करते हैं कि हम आपकी पॉपुलेशन के साथ ये यूज़ कर सकते हैं तो देन वी विल बी अलाउड टू डू द रिसर्च उसमें इंफॉर्म कंसेंट भी होता है उसके अंदर सारे क्वेश्चनें और जेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी होती है और ये सारा प्रोटोकॉल होता है जो ये इंफॉर्म कर रहा होता है कि क्या हम किसी तरह की कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तो नहीं ले रहे क्या हम किसी को कोई साइकोलॉजिकल हार्म तो नहीं पहुंचा रहे क्या हम कोई इस तरह के क्वेश्चंस तो नहीं पूछ रहे जिससे पढ़ने के बाद जो जैंपल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा या उनकी कोई कॉन्फिडेंशाली डिस्टर्ब होगी तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद इंस्टीट्यूशन उस जगह से डाटा लेने को अप्रूव करता है समटाइम्स वी हैव सीन के स्टूडेंट्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमें इस डायबिटीज़ सेंटर से परमिशन नहीं मिली या हमें कैंसर के पेशेंट से रिसर्च करने की परमिशन नहीं मिली और जब मैं उनका क्वेश्चन देखती हूँ तो आई गेट टू नो कि डायबिटीज़ के, के पेशेंट्स के साथ इस तरह के सवाल पूछे होते हैं जो कि उनकी सेक्शुअल और रिलेटेड होते हैं तो इंस्टीट्यूशन उनको अलाउ नहीं करता इसी तरह जब कैंसर के पेशेंट्स हैं उनसे स्टेज थ्री और फोर पर डेटा कलेक्शन की परमिशन मांगी जा रही होती है एंड एज हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आई अंडरस्टैंड कि स्टेज थ्री और फोर के जो पेशेंट्स हैं दे आर नॉट एबल इनाफ़ टू गिव एनी काइंड ऑफ डेटा टू द स्टूडेंट्स क्योंकि उनकी जो कंडीशन है वो इतनी वर्नरेबल होती है कि वो उस रिसर्च एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकते सो बाय लुकिंग एट ऑल दो द इंस्टीट्यूशन हैज़ राइट टू अप्रूव एंड डिसअप्रूव क्वेश्चन ऑफ दैट स्टूडेंट तो इसमें कोई नेगेटिविटी uh, नहीं होती इसमें कोई uh, लोगों के पर्सनल रिलेशन नहीं होते इसमें एक ऑथेंटिक चीज ये होती है कि यू हैव टू सी दैट आइडर जो आपका सैम्पल है वो उससे इफेक्ट तो नहीं हो रहा किसी तरह और उसको देखते हुए उस इजाजत को सस्टेन uh, किया जाता है या उसको कैंसिल किया जाता है टे कंडक्ट द रिसर्च इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव रिसर्च प्रोटोकॉल आप ये नहीं कर सकते कि क्वेश्चनर जो है वो आपने कोई और अप्रूव करवाया है लेकिन डेटा करेक्शन के वक्त आप उसको चेंज कर दें और आप उनसे कुछ और सवाल पूछना शुरू कर दें इनफॉर्म कंसेंट टू रिसर्च इज एन इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन ऑप्टेनिंग इन फॉर्म कंसेंट एज रिक्वायर्ड इन एथिकल स्टैंडर्ड साइकोलॉजिट एंड फॉर्म पार्टिसिपेंट्स अबाउट द पर्पज ऑफ द रिसर्च ड्यूरेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी इन्वॉल्व इन दैट रिसर्च द प्रोसीजर विच आर गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड देयर राइट टू डिक्लाइन एंड टू पार्टिसिपेट एंड टू विदड्रॉ फ्राम द रिसर्च एनी टाइम सो ये सारी चीज़ें आप उसमें बताते हैं कि अगर आप छोड़ देंगे या आप उसका हिस्सा बने रहेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा कोई नुकसान तो नहीं है छोड़ने का आपको किसी किसम की कोई पेनलाइज तो नहीं किया जाएगा इस एक्टिविटी से विदड्रॉ होने का या आ, कुछ और सनारीओज़ हैं जिनकी अभी हम बात करते हैं फॉर इंस्टेंस फोर्सिएबल कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ डिक्लाइनिंग और विदड्रॉइंग अगर आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी तरह के पेशेंट्स को और वो विद्रॉ करना चाहते हैं तो उन्हें बताना ज़रूरी होगा कि इस थेरेपी के इन बिटवीन अगर आप विदड्रॉ करेंगे तो मे बी यू आर गोइंग टू गो गोइंग टू गो फॉर सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट डिसकटिन्यूएशन जैसे अगर हमने uh, उस थेरेपी के बीच में अगर कोई ड्रग थेरेपी है कोई मेडिकल थेरेपी है बीच में छोड़ दिया मे बी वो कोई हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर हम कोई साइकोलॉजिकल रिहेबलीटेशन के प्रोग्राम में हैं और मिडिल में छोड़ देते हैं तो कुछ और सर्टन तरह की लिमिटेशन जो हैं वो क्रिएट कर सकता है तो ये सारी बातें इन इनफॉर्म कंसेंट बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स एक एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट दैट इज पोटेंशियल रिस्क डिसकम्फर्ट एंड एडवर्स इफ़ेक्ट जैसे एक uh, एक्सपेरिमेंट में इंडिविजुअल्स को अगर माइल्स सा शॉक इलेक्ट्रिक लग रहा है या उनको उसके अंदर कोई अनप्लेजेंट नॉइज़ जो है वो सुनाई जा रही है या उनकी असेसमेंट जो है वो करने के दौरान ये फैक्टर्स देखे जा रहे हैं कि लाइट के कम या ज़्यादा होने से उनके परफॉर्मेंस पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है तो उनको ये किसी तरह से बताना ज़रूरी है कि किस तरह की सिचुएशन आपको इसके बीच में फ़ेस करनी पड़ सकती है दैन एनी प्रोस्पेक्टिव रिसर्च बेनिफिट्स अगर कोई फ़ायदा है तो वो भी आप ज़रूर बताएं कि इससे आपकी कोई ट्रेनिंग हो जाएगी या आप इससे इस चीज़ को लर्न कर सकेंगे या इसको करने से आपके कोई साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्स रिजॉल्व हो जाएंगे तो ये बेनिफिट्स के बारे में बताना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है दैन लिमिट्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी शुड ऑल्सो भी डिस्कस विद दैम एज बी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैम एडवर्टीजमेंट बाई लिमिट्स टू कॉन्फिडेंशायलिटी

जो तो उस रिसर्च को लीड कर रही है दिस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन साइकोलॉजिस्ट कंडक्टिंग इंटरवेंशन रिसर्च यूज एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट क्लेरिफाई टू सब्जेक्ट एट द ऑनसेट ऑफ द रिसर्च दैट वट वुड बी द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट अगर किसी एक्सपेरिमेंटल स्टडी में उनको रखा जा रहा है तो उनको आइदर कंट्रोल ग्रुप में रखा जा रहा है या उनको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा जा रहा है और किस किस्म का ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा सर्विसेज डेट विल एंड विल नॉट बी अवेलेबल टू द कंट्रोल ग्रुप अगर वो कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा मिलेंगे बनेंगे तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं दिखाई जाएंगी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे उनको एक्सपोजर करवाया जाएगा मीन्स बाई विच असाइनमेंट टू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप विल बी मेड लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम एक वॉयलेंस से जो है वो बनी हुई मूवी कुछ पार्टिसिपेंट्स को दिखा रहे हैं और कुछ को हम नहीं दिखा रहे तो बिगनिंग में हम कह सकते हैं कि मे बी हम आपको कुछ मूवीज दिखाएं और कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम मूवीज ना दिखाएं और हम उसका इफेक्ट जो है वो आपकी थिंकिंग के ऊपर लेटर ऑन असेस करेंगे ऐसे सिचुएशन में यू कैन आस्क द पार्टिसिपेंट्स कि अगर आपकी कोई रिजर्वेशन हैं तो आप बिगिनिंग में बता सकते हैं तो मे बी कुछ लोग कहें कि वी डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द मूवी एंड वी वॉन्ट टू गो फॉर द मूवी और कुछ पार्टिसिपेंट्स के पूछ भी सकते हैं कि आइदर वो मूवी जो है वो कोई फ़नी होगी या वो कोई कॉमिक होगी या वो कोई वायलेंस से भरपूर होगी तो यहाँ पर आपको उन्हें बताना होगा कि वो मूवी जो है उसमें वायलेंस के सीन्स होंगे और फिर हम उसका उसका इफेक्ट देखेंगे सो यू नो ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको पार्टिसिपेंट्स uh, के राइट्स आते हैं और वो पूछना चाहता है वहाँ पर बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव एन इंडिविजुअल डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन द रिसर्च और विश टू विदड्रॉ वन स्टडी हैज़ बिगन अगर वो किसी ऐसे रिसर्च का पार्टिसिपेट uh, करने वाला इंडिविजुअल है जिसके सेंटर में छोड़ने से उसको कोई नुकसान हो सकता है तो उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को अरेंज करना भी ज़रूरी होगा दैन कंपनसेशन फॉर मोनिट्री कॉस्ट फॉर पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग एफ प्रोपरी वेदर री फ्रॉम द पार्टिसिपेंट और अ थर्ड पार्टी पेयर विल बी सूट अगर पहले से ये डिसाइड किया गया है कि इस एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वालों को कोई मोनिट्री कंपनसेशन दी जाएगी तो वो भी पहले से डिसाइड की जाएगी कि उसकी री के प्रोसेसिस क्या होंगे आ वो साइकोलॉजिस्ट खुद पे करेगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी या वो कोई थर्ड पार्टी पे करेगी स्टूडेंट्स बाजात ऐसे रिसर्च का हिस्सा होते हैं जिसके अंदर कोई मॉनिटरी कंपनसेशन तो नहीं होती लेकिन उसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट्स इन्वॉल्व हो सकती हैं उसके अंदर मे बी आपको किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग का इंसेंटिव हो सकता है तो ऐसी चीज़ों को भी बिफोर हैंड क्लियरली इंफॉर्म करना एक साइकलोजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये भी ऑथेंटिक uh, रिसर्च का एक बहुत pivoted. part some judge at